की बलरामपुर से आ रही है। आपको बता दें चिंतामणि महाराज ने बनाया चुनाव लड़ने का मन, अंबिकापुर से भाजपा की टिकट पर लड़ने का बनाया मन। आईएनएस पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर, चिंतामणि महाराज का बयान, भाजपा अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़वाएगी तो भाजपा में शामिल। ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया बयान, 6 महीने बाद सरगुजा से सांसद का लड़वाएंगे चुनाव। आपको बता दें जहां पर चिंतामणि महाराज ने कहा है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद यानी लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। अटकलें तेज हो गई है इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं चिंतामणि महाराज, उनके यहाँ अभी अभी भाजपा नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल और कई नेता पहुंचे थे और अकेले में बातचीत हो रही थी। चिंतामणि महाराज जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुई है। महाराज जी अटकलें बहुत तेज है कि बीजेपी में आप शामिल हो सकते हैं, क्या बातचीत हुई है जरा खुलकर बताइए। ब्रिजमोहन जी कहने का प्रमुख कारण तो यहाँ पर माँ काली का मूर्ति का अनावरण और माता जी का समाधि का अनावरण दोनों का था, उसके लिए मेन रूप से आए थे। और जब नेता लोग आते हैं तो कोई ना कोई कारण तो रहता है, बिना कारण का तो कोई आता नहीं है। तो उन लोग का ये कहना था कि आप आ जाओ, तो मेरा उसमें कहना था ये लगभग 2009 के लगभग का बात होगा जब उपचुनाव हुआ था, उस समय मेरे को उपचुनाव में काम करना था। आप उपचुनाव में काम करिए और उपचुनाव जैसे ही खत्म होगा आप ऑफिस से खाली है, हम आपको उसी में बैठा देंगे। अभी का बात बताइए, लेकिन नहीं नहीं मैं उसी भूमिका को बता रहा हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं। आज उनका कहना था कि आप आ जाओ, हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे। तो 6 महीने बाद लोकसभा होना है, हम एक ऐसे कह सकते हैं कि पिछले बार जो धोखा दिया वो इस बार 6 महीने के बाद अपने बात पर रिपीट हो, एक ऐसे हम विश्वास कर सकते हैं। तो बोले कि आप कैसे आओगे, तो मैं उनको बोला हूँ कि आप अंबिकापुर विधानसभा से हमको लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो जिनको अभी लोक विधानसभा लड़ने का मन है उनको 6 महीना बाद लड़ा दीजिएगा, हमको लोकसभा भेज दीजिए। महाराज ने पुष्टि कर दी है अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन इन्होंने भाजपा के बैनर से बनाया है और ब्रिजमोहन अग्रवाल से इन्होंने बातचीत में ये बात रखी है। ब्रिजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 6 महीने बाद इन्हें सांसद का चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि अगर विधानसभा लड़ाएंगे तो ये बीजेपी में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय है और इस तरह के समीकरण बनने से कहीं ना कहीं सियासत में एक नया जो समीकरण है वो दिख रहा है। घनश्याम सोनी, INS 24/7, बलरामपुर।